तो आज की राइड थी जोधपुर तक, तकरीबन 600 प्लस ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर। थोड़ा सा डिटोर था बीच में, तो हमने प्लान किया था कि आज हम मेंबर, मतलब पापा तो हैं, मैं बन जाऊंगा 700 क्लब का मेंबर, जो बाइकिंग का 700 किलोमीटर क्लब होता है। और ये भगवान ने लग रहा है सुन लिया। अब शुरू हो गई है बारिश, और आपको बताया ही था गुजरात के आसपास की रोड्स एकदम मिजरेबल, तो हमें रुकना पड़ गया। ऑन द डे ऑफ आवर लॉन्गेस्ट राइड हम राइड ही नहीं कर पा रहे। राइडिंग का मेरा तजुर्बा बताता है कि 2 दिन कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, और अगर एक दिन आपका बढ़िया गुजरा है ना, तो भगवान थोड़ा ना थोड़ा वापस लेता है। यस्टरडे वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ आर राइड, सो टुडे टाइम टू पे बैक गॉड। चलो ठीक है, राइडिंग है इसीलिए तो निकले हैं, विल वेट फॉर सम टाइम। सो टाइम टू फिल इन सम पेट्रोल नाउ। गुजरात रेट ऑफ पेट्रोल इज 95 रुपया 42 पैसा, और पूरा गले तक भरना है। तो आप लोगों को पता तो होगा कि पेट्रोल जो है उसकी प्राइस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है उसका, उसकी कीमत खुद, जो आमतौर पे इंपोर्ट होता है, तो इंडिया में उसकी इंपोर्ट की कीमत है तकरीबन 40 रुपया। उसके बाद 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जो 19 रुपये कुछ पैसे, तकरीबन 20 रुपये के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट पर लीटर टैक्स लेती है, तो ये हो गया 60 रुपया। इसके ऊपर आप जो भी प्राइस दे रहे हैं, जैसे 95 रुपीज यहाँ पे है, तो इसका मतलब है गुजरात गवर्नमेंट पर लीटर ऑफ पेट्रोल 35 रुपये का टैक्स ले रही है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बगल में राजस्थान में ले जाके दिखाऊंगा, वहां पे पेट्रोल की कीमत है तकरीबन 112 रुपये। तो मतलब 1 लीटर पेट्रोल पे, 1 लीटर पेट्रोल के कॉस्ट से तकरीबन 1.5 गुना राजस्थान गवर्नमेंट अपने नागरिकों से टैक्स ले रही है। अभी वो 100 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो इतने बड़े बड़े बोर्ड बनाते हैं, और ये नहीं बताते कि हम आपसे 60 रुपये पर लीटर या 55 रुपये पर लीटर आपसे पेट्रोल पे टैक्स ले रहे हैं, जबकि गुजरात में बगल वाले स्टेट में वो तकरीबन 16-17 रुपये कम है। और इसी वजह से पेट्रोल डीजल एफओएल वगैरह जो है ये अभी तक जीएसटी में नहीं आया है, और बाकी सारी चीज़ें जीएसटी में आ गई हैं। इसको ये जानबूझ के नहीं रखते क्योंकि यहाँ से सरकार को पैसा मिलता है। तो आपने नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में ड्राइव करते हुए नायरा के पेट्रोल पंप जरूर देखे होंगे। नायरा एक रशियन रिफाइनरी है और रशियन ओन्ड कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। क्रूड ऑयल रशिया से आता है और इंडिया में नायरा उसे रिफाइन करती है और यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। तो यूरोप आपको ये बताता है कि रशियन ऑयल बैंड है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, पर ये नहीं बताता कि वो इनडायरेक्टली रशियन ऑयल ही यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेन को पेट्रोलियम जा रहा है उसमें काफी ह्यूज कंपोनेंट रशियन ऑयल का है जो इंडिया से रिफाइन होकर जा रहा है। तो बात इसी पे आ जाती है कि पॉलिटिक्स एक तरफ है और धंधा अपने एक तरफ है। अब बात दूसरी बात, मैंने अभी तकरीबन 4000 किलोमीटर की राइड पे हर एक जगह पेट्रोल डीजल डलवाया, डीजल तो क्या पेट्रोल डलवाया है। अगर आप यहां से नायरा से पेट्रोल डालते हैं तो इनकी क्वांटिटी सही है, नहीं तो भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल में वो पता नहीं गियर के कौन कौन से दांत घिस रखे हैं, क्योंकि माइलेज, राइडर मैं खुद हूं और माइलेज डेफिनेटली डिफरेंट है। तो अब हमारे आगे चलने का टाइम आ गया है, तो आगे चलते हैं। ये 500 मीटर पीछे है गुजरात राजस्थान बॉर्डर, वो जो ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा या जो नीम के पेड़ है घने से, वो है गुजरात राजस्थान बॉर्डर। और राजस्थान में घुसते ही सबसे पहली चीज है
द ग्रैंड अतिथि बार एंड रेस्टोरेंट। तो ये चीज मैंने आपको एक दूसरे बॉर्डर पे भी दिखाई थी। हम अभी गुजरात एग्जिट कर रहे हैं, एंट्री के वक्त जो ठाल था वो हमने आपको दिखाया था। इस रास्ते पे अभी तकरीबन 50 किलोमीटर तक सिर्फ ठेके ही ठेके हैं। एक बार मैंने काउंट किया था कुछ 130 से 140 ठेके थे। तो ये हकीकत है प्रोहिबिशन की कि आप जितना मर्जी प्रोहिबिशन कर लो, जिसने दारू पीनी है पिएगा। ये वाली जो शराब है ये गुजरात के लोग यहां आके पीते हैं, एंड बॉर्डर क्रॉस करते ही नेबरिंग स्टेट में पहला चीज ठेका। मस्त है बॉस। हाँ तो बेटा जी कैसा लग रहा है अभी अभी इतना राइड करके? जी मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, स्टाइल के लिए नहीं खड़ा हूँ मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, पर रेगुलर सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। तो इसकी शक्ल देख के अभी नहीं लग रहा है कि ऐसे कोयले की खदान से काम करके निकला हो। तो आगे बढ़े इससे पहले आपको आज के दिन का ब्यौरा दे देते हैं। तो हमने सोचा था कि हम 4-1 बजे स्टार्ट कर देंगे, 1.5 घंटे की 2 घंटे की नाइट राइडिंग करके, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा था। पर ऐसा हुआ नहीं। सवेरे जब हम रेडी होने लगे तो काफ़ी तेज़ बारिश, और उसके बाद गुजरात की बहुत ही गई गुजरी सड़कें। एक्चुअली गुजरात के रोड्स बहुत बुरे हालत में हैं। नेशनल हाईवेज पे 2-2 फुट के खड्डे हैं, स्टेट हाईवेज तो खड्डे ही खड्डे हैं, बीच बीच में कहीं रोड है। तो एट वन स्टेज वी थॉट के ये हम एक दिन में हिट नहीं कर पाएंगे भुज टू जोधपुर, एंड रूम टू रूम इट इज मोर देन 700 किलोमीटर्स। स्टॉप्ड इन द रेन फॉर अबाउट 1 आवर, पर उसके बाद फिर हमको राइड बढ़िया मिल गई, सड़कें अच्छी मिलने लग गई, एंड वी कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। तो आज की राइड बाकी दिनों के राइड से काफी डिफरेंट है। बाकी दिनों की राइड्स में एक फिक्स डेस्टिनेशन होती थी, कुछ जगहें होती थी जहां हम घूमने जाते थे। आज सीधा सीधा अपने घोड़े को 700 किलोमीटर चलाना है। ये सीधा सीधा इंड्योरेंस राइड है, और इंड्योरेंस अभी टेस्ट होना शुरू हो गई है। तो हमने राइड के दौरान एक राजस्थान देखा, डेजर्ट्स, ब्यूटीफुल डेजर्ट्स, प्रिस्टीन डेजर्ट्स, ब्यूटीफुल रोड्स, और एक ये राजस्थान भी है, ब्यूटिफुल ग्रीन हिल्स और रोड्स। राजस्थान जैसे इंडिया में कहीं भी नहीं है। आज की राइड हमने गुजरात से शुरू करी, और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया तो बॉर्डर का बोर्ड भी नहीं देखना पड़ा, पता लग गया राजस्थान शुरू हो गया है। कर्स होते हैं, उनके बीच में एक टर्म चलता है, उसको बोलते हैं 700 किलोमीटर क्लब। मतलब होता है वो बाइकर्स जिन्होंने एक दिन में 700 किलोमीटर बाइक चलाई हो। बहुत लोग चलाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है, मैं चला चुका हूं, बट इसका ये पहली राइड है। और अगर आज हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो ये 700 किलोमीटर क्लब को ज्वाइन कर लेगा। तो पापा जैसे बता रहे थे, अगर आज की राइड कंप्लीट हो गई देन आई विल बी अ मेंबर ऑफ द 700 किलोमीटर क्लब। और लगता तो है कि कंप्लीट हो जाएगी, बट बाइक राइड का कुछ पता नहीं चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट सबसे पहले कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। तो इतनी लंबी राइड लोग पहले अपने पहले बाइकिंग ट्रिप पे नहीं करते हैं, पर हमारे परिवार में ट्रेडिशन है कि हम जो भी करते हैं वो डीप एंड में ही शुरू करते हैं। मैं और पापा पहली बार, मतलब पापा साइकिलिंग करते थे, मैं पहली बार राइड पे गया तो हमारी पहली राइड 100 किलोमीटर से ज़्यादा की थी। बचपन में जब स्विमिंग शुरू करी तो पापा ने 3-4 दिन के अंदर ही, जब मैं 5-6 साल का था, डीप एंड में फेंक दिया कि अपने आप तैर के सीख जाएगा। बट एज ऑफ नाउ थिंग्स लुक टू बी अंडर कंट्रोल, एंड इट इज वेरी सिंसियरली लंच टाइम नाउ। तो आगे चलते हैं।